झारखंड में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। अभी तक इसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। चक्रधरपुर रेल मंडल में हादसे के बाद कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, जबकि कुछ ट्रेन का रूट बदला गया है। रायपुर पहुंचने वाली 4 ट्रेनें अब देरी से आएंगी। दरअसल ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई, जिस वजह से ये हादसा हुआ है, जिसके चलते यात्रियों को असुविधा ना हो और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस रूट पर चलने वाली ट्रेन के रूट में बदलाव किए जाने की जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी समीर कांत माथुर द्वारा दी गई है। आज सुबह हावड़ा मेल 12810 के कुछ डब्बे सीकेपी डिवीजन के बाराबंको स्टेशन के पास पटरी से उतरे हैं। इसी कारणवश लगभग 15 ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से चलाया जा रहा है। कुछ ट्रेनों को भद्रक खुर्दा रोड झांसीगुड़ा रोड के और कुछ ट्रेनों को पुरलिया हटिया और राउकिला रोड के थ्रू चलाया जा रहा है। इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस को बिलासपुर और इतवारी के बीच ही चलाया जाएगा। इसके अलावा एक ट्रेन शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनस ट्रेन को कैंसिल किया गया है। जो ट्रेनें डाइवर्टेड रूट से आ रही हैं उन ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसी के साथ सभी बड़े स्टेशनों पर सहायता केंद्र भी लगाए गए हैं। सहायता केंद्र बिलासपुर, रायगढ़, ब्रजराजनगर, चापा, खरसिया, रायपुर, भाटापारा, दुर्ग, भंडारा, गोंदिया और राजनांदगांव स्टेशन पर लगाए गए हैं। यात्रियों को स्टेशन पर असुविधा ना हो, इसके लिए खान पान और सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं।